कुछ खबरें शोबिज की रंग रंग दुनिया से। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की सुपरस्टार मायरा खान मुख्तसर सीरीज रजिया में जलवागर होंगी, जिसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। शार्ट सीरीज रजिया में मायरा खान बहुत मजबूत किरदार में नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर रजिया का टीजर जारी किया गया है, जिसमें वो बुरे समाजी रवैयों के खिलाफ कुछ संजीदा सवाल उठाती नजर आ रही हैं। टीजर के कैप्शन में अदाकारा ने लिखा कि मसला गोश्त नहीं, मसला भूख है। इसी कैप्शन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रजिया में खवातीन के साथ बदसलूकी, ज्यादती और उनके हकूक के बारे में मुआशरे की इस्लाह के पहलू शामिल होंगे। बॉलीवुड अदाकारा जरीन खान को डेंगू में मुब्तला होने की वजह से मुंबई के मुकामी अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। अदाकारा जरीन खान को डेंगू की वजह से तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इलाज होने के बायस जरीन खान की हैसियत में बेहतरी आ रही है। समाजी राबती की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर डेंगू में मुब्तला अदाकारा जरीन खान ने अस्पताल से स्टोरी शेयर करते हुए मदों को डेंगू से मोहतात रहने की अपील की है। लाहौर हाईकोर्ट में मालूम वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में टिकटॉक पर पाबंदी की दरख्वास्त शहरी राना उस्मान अनवर ने एडवोकेट सुहेल अहमद शेख की वसादत से दायर की। दरख्वास्त में पीटीए वजारत आईटी विफाकी हुकूमत में दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत हर शहरी पर रियासत से वफादार होना फर्ज है। टिकटॉक पर गुज़िश्ता 5-6 माह से फोश मवाद अपलोड करने में इजाफा हुआ है। बहुत से ममालिक में टिकटॉक पर पाबंदी आयद है।